हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो हिबिस्कस के ऊपर है कि जब भी हम हिबिस्कस को बाहर से यानी नर्सरी से लेकर आएं तो रिपोर्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो रेड मिट्टी में तो नहीं है। रेड मिट्टी में है तो वो एक साल मुश्किल से ही प्लांट चलता है, उसके बाद वो सॉइल में इस तरह से सूख जाता है कि वो जड़ें उसकी फैल नहीं पाती हैं और वो जड़ें सूख जाती हैं, क्योंकि गर्मी जो जिस जगह से वो प्लांट्स आते हैं वहां के टेम्परेचर में और हमारे यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट जो आप देख रहे हैं ये मैं दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से ये ऐसा लग रहा था इसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो काफी पुराना, एक साल हो गया था मुझे इसको लगाए हुए, तो उस वक्त मैंने नहीं देखा था इसको, है ना, नीचे से पूरी तरह से मिट्टी को नहीं हटाया था। लेकिन अब मैं जब रिपोर्ट कर रही हूँ इसको तो मैं देख रही हूँ कि इसमें कुछ एक इस तरह की, देखिए ये लगी हुई है छोटी सी प्लास्टिक की, ये बास्केट लगा देते हैं, ये रूट्स को निकलने ही नहीं देती है। ये देखिएगा, ये एक ही साथ दो प्लांट निकले थे उसमें, मैंने अभी ये निकाले हैं। तो ये आप हमेशा जब भी रिपोर्ट करें ये जरूर देख लें कि इस तरह की ये प्लास्टिक की डिब्बी तो नहीं लगी है। अगर ये लगी है तो आप इसे हटा दें, क्योंकि ये फिर प्लांट को, जो प्लांट की नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए वो ये उस ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जब भी आप देखें तो इसे हटा दें, तो हटा करके जब आप लगाएंगे तो आपका प्लांट जरूर हेल्दी रहेगा। तो मैं इसको हटा रही हूँ और देखते हैं। तो आपके पास अगर प्रूनर है तो आप उसे इसको हटा दीजिएगा। मैं भी अभी हटाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको हटाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको इस तरह से, देखिए इस डिब्बी को मैंने हटा दिया है। ये देखिए, ये आपके प्लांट को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी, ग्रोथ नहीं होने देगी उसकी अच्छी सी। ये देखिए, इस तरह से ये निकली है, ये मैंने इसको इस तरह से निकाल दिया है। अब ये ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा, ये तो एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि मैं इसको देख रही हूँ लगा करके। अगर वैसे तो मर ही रहा था प्लांट, ये हो नहीं पा रहा था ठीक से ग्रोथ भी नहीं कर रहा था, तो मैं ट्राई करके देख रही हूँ। अगर हो जाता है अब तो बहुत अच्छा है। वैसे अब क्योंकि इसके रूट्स को आराम से ग्रोथ करने के लिए जगह मिलेगी, तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये प्लांट अब लग जाना चाहिए। ये देखिएगा इस तरह से, अब मैं इसे रिपोर्ट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये दो बास्केट इस तरह की निकली छोटी छोटी सी, है ना, तो ये मैंने इसमें से निकाल दी हैं और ये मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अब इसकी रूट्स को पूरी तरह से इसको जगह मिलेगी और ये अच्छे से डेवलप होगा। सेम कंडीशन फ्रेंड्स ये देखिएगा मेरे इस प्लांट के साथ भी थी। आप इसके स्टेम को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लांट पुराना है, एक डेढ़ साल हो चुकी थी लेकिन ये ग्रोथ ही नहीं कर रहा था। तो जब आज मैंने इन दोनों को निकाल करके इसी तरह से ये बास्केट हटा करके रिपोर्ट किया है, अब इनकी रूट्स को आराम से जगह मिलेगी और ये ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी जब भी लाएं इस तरह के हिबिस्कस को और देख लीजिएगा, अगर इस तरह से बास्केट लगी है तो उसे निकाल करके तब उसको आप रिपोर्ट करें, तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा और आपको इस तरह से मेरी तरह से दोबारा से आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगली किसी वीडियो में ऐसे ही अपने किसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।